हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, बेल पत्र के उपाय और टोटके जाने, सेहत से समृद्धि तक बेल के पत्तों के कई है लाभ। जी हाँ दोस्तों, बेल पत्र न सिर्फ पूजा के काम आता है बल्कि इसके कई और फायदे हैं। आयुर्वेद में बेल को औषधि के रूप में बताया गया है। जी हाँ, भगवान शिव जब विष के प्रभाव से अचेत हो गए थे, तब उनकी चेतना को वापस जगाने के लिए कई तरह की बूटियाँ और पत्तों का प्रयोग किया गया था। बेलपत्र भी उनमें से ही एक है। बेलपत्र के औषधि गुण है, इसे शिव रूप और शिव का प्रिय बनाते हैं। जी हाँ, शिव पुराण में बेल की बड़ी महिमा बताई गई है। इसी छाया में बैठकर स्नान करने, भोजन करने और करवाने से, जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के पाप मुक्त हो जाती है। ऐसे गुणकारी बेल के कुछ उपाय यह हम आपको बता रहे हैं। अपनी आस्था और विश्वास के साथ आप चाहे तो आजमा सकते हैं। तो चलिए जानते दोस्तों बेल पत्र के कुछ खास उपाय। तो दोस्तों आइए जानते दोस्तों बेल पत्र के कुछ खास लाभ। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, बुखार होने पर बेल पत्र का ये खास उपाय। अगर घर में किसी को बुखार है तो बेल की पत्तियां का काढ़ा बनाकर रोगी को देने से आराम मिलता है। यदि आपको कभी मधुमक्खी, बर और ततैया काट ले तो काटे के स्थान पर बेलपत्र का रस लगाने से राहत मिलती है। माना जाता है कि वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता बेल के वृक्ष में खूब होती है। तो दोस्तों, ये उपाय जरूर आजमाए। तो दोस्तों, दिल के मरीजों के लिए बेलपत्र का ये खास उपाय। बेलपत्र को दिल के रोगों के लिए बहुत ही खास औषधि माना जाता है। बेलपत्र का काढ़ा बनाकर पीने से रक्त संचार दुरुस्त होता है। रक्त संचार अच्छा होने से हृदय मजबूत होता है। ऐसा होने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। इसकी पत्तिया का रस पीने से श्वास संबंधी रोगों में भी आराम मिलता है। दोस्तों इस तरह का औषधिया बहुत ही खास माना जाता है। दोस्तों, ये उपाय अवश्य करें। दोस्तों, बेलपत्र से मुंह के छालों के उपाय। जी हाँ, अगर किसी कारण गर्मी की वजह से आपके मुंह में छाले हो जाए तो बेल की ताजी पत्तियां को मुंह में रखकर चबाने से बहुत ही लाभ मिलता है। दोस्तों, ऐसा लगातार 2 से 3 दिन करने से मुंह के छाले समाप्त हो जाते हैं। बेल के पत्ते 8 दिनों तक बासी नहीं मानी जाती है। इतना ही नहीं, शिवजी पर चढ़ा हुए बेल पत्रों को धोकर फिर से भी चाहे तो उनमें अर्पित कर सकते हैं और अगर उसे खा भी सकते हैं। दोस्तों, इससे बहुत ही बड़ा लाभ होता है। यानी कि दोस्तों, आपके मुंह के छाले तुरंत राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, ये अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, बेलपत्र से आर्थिक परेशानी दूर करें। जी हाँ दोस्तों, शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा में चढ़ाए गए या दोस्तों सोमवार के दिन चढ़ाए गए बेलपत्र पर शाम को चंदन से ओम लिखे। जी हाँ, ऐसे कम से कम 3 बेलपत्र लेकर अपनी तिजोरी में रख ले। ऐसा करने से आपके घर में दर्द की तंगी दूर हो सकती है, साथ ही रुके हुए पैसे भी प्राप्त हो सकते हैं। बेल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, सावन के महीने में और दोस्तों यदि सोमवार के दिन शिव जी का बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही ये बेलपत्र आप तिजोरी में रखते हैं और बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करते हैं और बेल के वृक्ष में जल देते हैं तो आपको महालक्ष्मी की प्राप्ति जरूर होगी। तो दोस्तों, ये अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, बेलपत्र के पाए कानूनी संकटों से राहत। अगर आप काफी समय से गलत मुकदमे में फंसे हुए हैं तो दोस्तों, रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखित श्री राम स्तुति का पाठ करें। इस दौरान अपने साथ कुछ बेलपत्र भी रखें। पाठ पूरा होने के बाद इन बेलपत्र को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी शव यात्रा बेल के वृक्ष की छाया से लेकर होकर गुजरती है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें।
दोस्तों, संतान सुख पाने के लिए बेल की उपाय। अगर आप अभी तक संतान सुख से वंचित हो तो अपनी उम्र के बराबर बेल पत्र ले और इन्हें अब कच्चे दूध से भरे बर्तन में डुबोकर शिव जी को चढ़ाए। भगवान जल्द ही आपकी प्रार्थना सुन लेंगे और आपकी खाली झोली भी भर देंगे। दोस्तों, सावन के महीने में या सोमवार के दिन बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। ये उपाय धार्मिक मान्यता पर आधारित है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। दोस्तों, उपाय के साथ उपचार भी जारी रखना चाहिए। दोस्तों, ये खास उपाय करने से आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है, तो दोस्तों अवश्य करें। दोस्तों, दाम्पत्य संबंधों में सुधार के लिए बेलपत्र का खास उपाय। माँ शिवरात्रि के दिन या दोस्तों सोमवार के दिन यदि पति और पत्नी दोनों साथ भगवान शिव की पूजा करें और एक साथ बेलपत्र चढ़ाए, दोस्तों उनके वैवाहिक जीवन में सुख में वृद्धि होगी। ऐसे शिव भक्त संतान की तरफ से भी संतुष्ट रहते हैं। माँ शिवरात्रि के दिन या सोमवार के दिन आप घर में भी बेल का पौधा लगा सकते हैं, फिर रोजाना इस पर जल चढ़ाने से पापों से मुक्ति मिलती है, तो दोस्तों अवश्य करें। बेल पत्र से धन लक्ष्मी पाने का खास उपाय। शिव पुराण में बताया गया है कि सुबह शाम बेल के वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितृगण तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफेद आग को जोड़े से लगाने पर अतुट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिवजी पर चढ़े हुए बेल के पत्तों को तिजोरी में रखने से बरकत आती है, तो दोस्तों ये उपाय अवश्य करें। सपना दोष की बीमारी से बेल पत्र का गुणकारी उपाय। जी हाँ, कहा जाता है कि बेल पत्र के औषधि गुणों में ये भी एक है कि 40 दिन तक बेल वृक्ष के 7 पत्ते प्रतिदिन खाकर थोड़ा पानी पीने से स्वप्न दोष की बीमारी से छुटकारा मिलता है। इस उपाय के साथ चिकित्सा से भी सलाह ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये करने से आपको शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, ये बेल पत्र बहुत ही गुणकारी होता है। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है एक बेल पत्र खाने से आपकी तमाम रोग से मुक्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, श्रद्धा भाव से ये उपाय करते हैं तो भगवान शिव जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। दोस्तों, ये खास उपाय अवश्य करें, इससे आपको फायदा ही होगा। दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।